हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वा फूड फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ मैगी। दोस्तों, मैगी तो हम सभी को पसंद है और लगभग हम सभी को पकाने भी आता है, लेकिन मैगी को पकाने के कई तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आज जो जिस तरीके से मैगी पकाने जा रहा हूँ वो आपको पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पैकेट मैगी या आटा नूडल्स, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच के आसपास नमक, 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए, 2 मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए, 1 मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप 2 मिर्च भी ले सकते हैं। लगभग आधा टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, 1.5 से 2 ग्लास पानी। दोस्तों, सबसे पहले पैन में हमने तेल डाल लिया है और इस पैन को हम तेज आंच पे रखेंगे। अगर आप इंडक्शन यूज कर रहे हैं तो लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम हीट रखेंगे। अब इसमें हम मिर्च मिला देंगे। दोस्तों, मैं मिर्च पहले मिला देता हूं, अगर आप चाहें तो मिर्च बाद में भी मिला सकते हैं। मैंने मिर्च फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें मिला दूंगा प्याज। दोस्तों, हमने इसे तेज हीट पे इसलिए रखा है क्योंकि हमें ये बहुत अधिक पकाना नहीं है, हमें बस ये फ्राई करना है और इसे हल्का सा ब्राउन कलर देना है। लगभग 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। 1 मिनट तक प्याज पक गया है, अब हम इसमें टमाटर मिला देंगे। ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं, अभी इसमें हम नमक मिला देंगे। नमक पहले इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि पहले नमक मिलाने से ये थोड़ा गीला हो जाता है, हमें इसे गीला नहीं करना है, इसलिए नमक अभी मिला रहे हैं। ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे एक बर्तन में अलग कर लेते हैं। ये है हमारा फ्राइड ऑनियन एंड टमाटो। नाउ सेम पैन में हमने पानी ले लिया और पानी को उबलने देते हैं। जब पानी उबलने लगेगा इसमें हम नूडल मैगी या आटा नूडल मिला देंगे। इसे मसाला भी डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इतना पानी लेना है कि हमारा जो मैगी या नूडल है ये जब पक जाए तो पानी पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, पानी एक्स्ट्रा ना रहे, ना ही कम पड़े। देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट में हमारा पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है। अभी इसमें हम अपना टोमेटो, फ्राइड टोमेटो और जो ऑनियन है वो मिला देंगे। ये हमने इसे मिला लिया है, अभी इसमें हम अपना चाट मसाला भी मिला देंगे। तो हमारी मैगी तैयार है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और आप अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें।